कई बार डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, ये सारे वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं आपको कि क्या है, कौन क्या कर रहा है एग्जैक्टली, डेटा इंजीनियर क्या कर रहा है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या कर रहा है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और बहुत सारा कंफ्यूजन अभी आपके अंदर अभी ऑलरेडी है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे एंड तक तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें से क्लियर हो जाएंगे। और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोस्कूल की वेबसाइट पे जाके वो लिंक पे क्लिक करोगे, प्रोस्कूल की वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ जाके यू कैन बुक अ डेमो सेशन। आप एक ऑनलाइन डेमो सेशन बुक कर सकते हो या आप ऑफलाइन डेमो सेशन भी बुक कर सकते हो इन सारे सेंटर्स में। तो आप जाइए, डेमो सेशन बुक करिए, देखिए क्या कैसे होता है, होती है चीज़ें, और मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहले क्या होता था ना, डेटा स्कैर्सिटी वॉज अ चैलेंज, मतलब डेटा होता ही नहीं था, लोग डेटा कैप्चर ही नहीं करते थे। रिटेल शॉप पे लोग डेटा कैप्चर करना पसंद नहीं करते थे, कोई भी सॉफ्टवेयर लोग यूज नहीं करते थे डेटा कैप्चर करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि भाई डेटा इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने डेटा कैप्चर करना शुरू किया। क्यों समझ में आया? क्योंकि उनको लगा यार मेरे कस्टमर कौन से एज में है मुझे नहीं पता, एज ग्रुप क्या है, फीमेल है मेल है मुझे नहीं पता, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से लोकेशन से आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अब मुझे कुछ भी नहीं पता अगर, तो मैं मार्केटिंग कैंपेन कैसे करूँ, किसको बोलूँ, कहाँ से कस्टमर एक्वायर करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कैसे करूँ चीज़ें। आपने एक कोट सुना होगा कि भगवान में तो हम ट्रस्ट करते हैं लेकिन बाकी सबको डेटा लेके आना पड़ेगा तभी हम ट्रस्ट करेंगे आपको। तो आपने ये जो सुना है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज की डेट में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आज की डेट में आपका जो फ़ोन है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा है, मेरा फ़ोन सुन रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे वो डेटा साइंस रिलेटेड ऐड दिखाएगा। सोचो कितने सारे मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड कितना ज्यादा डेटा कैप्चर हो रहा होगा ऑडियो फॉर्मेट में, जो कि ऑब्वियसली हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश बोल रहे हो इंग्लिश में हो रहा है, जो लैंग्वेज बोल रहे हो वो लैंग्वेज में हो रहा है। अब उसका एनालिसिस और उसके बाद बेस्ड ऑन विच अ रेलेवेंट एड शुड कम टू यू। आप अमेजोन पे जाते हो, आप कुछ सर्च करते हो, मान लो आपको जूते खरीदने, आपने शूज सर्च किए, अब आपने जूते खरीदे या नहीं खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो फ्यू एड्स दिखेंगे, जो फेसबुक पे दिखना चालू हो जाएंगी, जो गूगल पे दिखना चालू हो जाएंगी, वो शूज की एड होगी। कैसे हुआ ये सब? एक और एग्जाम्पल है जोमैटो का। जोमैटो रिसेंटली IPO हुआ उसका, उसमें वो बहुत ट्रेमेंडसली सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा उसको सब्सक्राइब किया। क्यों हुआ ऐसा? बोल तो यही रहे हैं, लॉजिक तो यही दे रहे हैं कि जोमैटो को पता है कौन क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और किसी को नहीं पता है। अब ये तो बेसिक नेसेसिटी है फूड, तो जोमैटो नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को, बिकॉज जोमैटो के पास वो पावर है जो किसी और के पास नहीं है, जिसको बोला जा रहा है डेटा पावर। अब जब कोविड हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जब कोविड हुआ तो क्या हुआ, हम देखने लगे कि स्टेट बाय स्टेट की भाई कितने केसेस बढ़ रहे हैं, तो डेटा वहाँ पे भी कैप्चर होता जा रहा था, अपडेट होता जा रहा था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जो आपको विजुअलाइज करके दिखा रहे थे कि देखो इतने केसेस यहाँ पे है, ये रेड डॉट है, ये बड़ा रेड डॉट है, ये छोटा रेड डॉट है, इससे आपको विजुअलाइजेशन से समझ रहा था कौन से स्टेट में क्या चल रहा है और किस तरह से ये केसेस प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्या ये प्लेटू बन रहा है, क्या ये पीक बन रहा है, और फोरकास्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट फोरकास्ट कर रहे थे कि अब कब आएगी नेक्स्ट वेव, कब तक पीक होगा, कब तक क्या होगा। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द डेटा इज बेसिकली यूज्ड टू फोरकास्ट, टू प्रेडिक्ट समथिंग, कि भाई प्रेडिक्ट करना कुछ, या इन्फरेंस निकाल के दे, या तो कुछ प्रेडिक्ट कर दे फ्यूचर का। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या था, डेटा लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, डेटा स्कैर्सिटी वॉज अ चैलेंज। आज क्या है, डेटा ओवरलोड इज अ चैलेंज, डेटा एक्सप्लोड हो गया है, इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो गया है। पहले मैं AC ठीक कराता था तो मैं बुलाता था बंदे को AC ठीक करा लेता था, अब मैं अर्बन क्लैप पे जाता हूँ और मैं AC वाले बंदे को बुलाता हूँ, अब अर्बन क्लैप को पता है कि मैंने AC ठीक कराया। अब ऊपर से देखी जा रही है दुनिया, पहले आमने सामने होती थी चीजें, अभी ऊपर से हो रही है। अब कभी अपने मैप्स में जाना, अगर आपने गूगल टाइमलाइन को ऑफ नहीं किया है तो अब ये भी देख सकते हो कि एक साल पहले आप आज के दिन कहाँ पे थे, कितना घूमे, कहाँ से कहाँ घूमे, कितना चले, कहाँ पे कितने देर रुके, एवरीथिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड।
तो मेरी लोकेशन, मेरा जीपीएस ऑन है, अब मैं मैप्स में ये भी देख सकता हूँ कि कहाँ पे कितना टाइम जाम लगा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, गूगल क्या कैप्चर कर रहा है, गूगल कैप्चर कर रहा है जीपीएस का डेटा, आपके फोन का जीपीएस ऑन है, उसका डेटा कैप्चर कर रहा है, वो कैप्चर करके बता रहा है यार इधर ना कंजेशन है, इधर ना इतना टाइम लग जाएगा, इधर से ये गाड़ियां ना बहुत स्लो मूव हो रही है, देख रहे हो आप किस लेवल तक चली गई इसकी बात। तो पहले डेटा इतना कम था तो मैं एक्सेल में डेटा डालता था और मैं एनालाइज कर लेता था वहीं पे, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी, डेटा साइंस की एज सच जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ, फिर यार डेटा ना बढ़ता चला गया और एक्सप्लोजन हो गया डेटा का, पागल हो गए लोग, इतना बड़ा बड़ा डेटा आने लग गया, इतना बड़ा डेटा आने लग गया कि एक्सेल क्रैश होने लग गया। अभी इतना डेटा आने लग गया, मैंने आपको समझाया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग डेटा कैप्चर करने लग गए और नेक्स्ट लेवल डेटा कैप्चर करने लग गए, फोन वोन आ गया, इन सब चीजों से डेटा कैप्चर हो रहा है, इंटरनेट पे लोग जाते हैं, वहां पे कुछ सर्च करते हैं, वो सारी चीजें कैप्चर होने लग गई है, पहले ये सब नहीं होता था। आज मैं जाके देख सकता हूँ कि डेटा साइंस ये वर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को, ये मुझे पता चला, तो मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई साहब आप ढूंढ रहे हो ये चीज, आके देख लो, सुन लो एक सिंपल भाषा में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी तो काफी अच्छा लगेगा मुझे भी, और अब आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे तो मैं पर्सनली उस पर रिवर्ट बैक जरूर करूंगा। अभी बहुत लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि डेटा साइंस इज ओनली रिलेटेड टू आईटी, डेटा तो हर जगह है, फार्मा में भी डेटा है, कोविड का एग्जांपल दिया मैंने, डेटा हर जगह है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, बीएफएसआई में तो ह्यूज डेटा है, पहले भी कैप्चर होता था, अभी भी कैप्चर होता है, बट अभी क्या होता है, अभी कंप्यूटेशनल पावर बहुत बढ़ गया है, तो ये जो बिग डेटा है, बिग डेटा क्यों है, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा डेटा कैप्चर हो रहा है, तो ये जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा है इसको एनालाइज करने के लिए एक्सेल काम नहीं आएगा, नए नए टूल्स काम आएंगे, थोड़ी सी कोडिंग काम आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गया। पहले 2 GB का लैपटॉप काफी था, अब यार फोन में 8 GB है रैम, रैम क्यों चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर ना, कोई हैवी गेम खेलते हो 2 GB रैम वाले फोन में वो चलता नहीं है, ऐसे ही अगर हैवी डेटा आप एक्सेल में डाल देते हो वो काम नहीं करता, तो क्या काम करेगा, तो वो टूल्स देखेंगे क्या क्या टूल्स होंगे डेटा साइंस, बट उसमें जाने से पहले ये सोचना है कि डेटा साइंस क्या है भाई, डेटा को एनालाइज करना है, प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर को, उसके हिसाब से डिसीजन लेने हैं, बेसिकली मैं डिसीजन जो लूंगा वो डेटा ड्रिवन होने चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं एकदम से चलिए करके देखते हैं क्या होता है देखते हैं, फिर ये करके देखते हैं क्या होता है देखते हैं, ये करके देखते हैं क्या होता है देखते हैं, इसमें भी थोड़ी थोड़ी आप ना डेटा एनालिसिस क्या होता है देखते हैं का मतलब क्या है, डेटा एनालाइज करने कर रहे हो कि हुआ क्या ठीक से, नहीं हुआ फीडबैक लिया उसको फिर से चेक किया, फिर से चेंज किया। अब डेटा साइंटिस्ट अकेले तो काम नहीं करता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आया कि भाई रेवेन्यू गिर रहा है किसी कंपनी का, एनालाइज करो क्यों गिर रहा है, आगे क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि बढ़ जाए, कौन सा सेगमेंट बढ़ना चाहिए, कौन सा सेगमेंट गिरना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। अब डेटा साइंस साइंटिस्ट के पास ये एक प्रॉब्लम आ गया, अब डेटा साइंटिस्ट ने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, भाई तुम्हारा रेवेन्यू गिर रहा है, तुम बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तुमने एक अच्छी सी मीटिंग कर ली, डेटा साइंटिस्ट ने एक अच्छी सी मीटिंग कर ली, अब डेटा साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो इवेंचुअली आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर जो टूल्स यूज हो सकते हैं वो थोड़ा सीखना मुश्किल है, वो चीजें मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले एक्सेल पे हो जाता था, डेटा कम था हो जाता था, कंप्यूटेशनल पावर कम थी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि डेटा ही कम था, अब डेटा ज्यादा है कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है इसलिए डेटा साइंस, इसलिए ये सारी इतने सारे टूल्स, इसलिए इतनी सारी पढ़ाई, अरे भाई नहीं तो इतनी पढ़ाई किसी को करनी नहीं होती है, लेकिन अगर आप चूज करो कि भाई मैं धीरे धीरे जाऊँगा एंड मैं सीधे डेटा साइंटिस्ट तो बनूंगा नहीं, मैं 10 साल में डेटा साइंटिस्ट बनूंगा, अब मैं 10 साल में ये चीजें सीखूंगा धीरे धीरे, पहले मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या बनूंगा, ये एक बात आप डिफाइन कर सकते हो जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एक डेटा साइंटिस्ट अकेले तो काम नहीं करता है, उसके साथ एक टीम काम करती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स काम करते हैं, डेटा इंजीनियर्स काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। तो आप ये बन जाओ, पहले बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, बाद में डेटा एनालिस्ट बन जाना, उसके बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाना, सब कुछ बनने के बाद आप तब जाके डेटा साइंटिस्ट बन जाना ना, आप डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट मत बनो, क्यों डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बनना है, कोई नहीं बनाएगा डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट। अब देखो
सेल्स गिर रही है, क्लाइंट से बात हो गई, अब क्या करूँ यार, डेटा तो दो। तो आप बोलोगे भाई डेटा दो, तो डेटा इंजीनियर का रोल आ जाएगा यहाँ पे। डेटा इंजीनियर क्या करेगा, पाइपलाइन बिछाएगा, पाइपलाइन में से डेटा वहाँ से यहाँ लेके आएगा। लेके आ गया डेटा, अब ये जो डेटा है ये अच्छे फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि वो जो क्लाइंट है ना वो डेटा एड्रेस नहीं है, तो उधर ना डेटा एंट्री जो होती है ना वो बहुत अच्छे से नहीं होती है। कोई फॉर्मेट अलग है, कोई मिसिंग वैल्यूज है, कोई आउटलायर्स है, कुछ अलग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब ये प्रॉब्लम्स को पहले रिजॉल्व करो, मतलब डेटा को क्लीन करो। डेटा को क्लीन कर दिया, अब ये डेटा जाएगा किसके पास, ईडीए करने वाले, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोर करेगा, एक डेटा एनालिस्ट होगा जो एक्सप्लोर करेगा, जो इन्फरेंसेस निकालेगा, जो बोलेगा इस डेटा से ये मिल रहा है, इस डेटा से ये मिल रहा है, इस डेटा से ये मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, MIS बनता था। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ऊपर जाता था डैशबोर्ड, ऊपर जाता था क्या कहते हैं सीईओ के पास, सीईओ देखता था उसको। अब सीईओ ने बोला यार थोड़ा और अच्छा करके दे, थोड़ा विजुअलाइजेशन वगैरह करके दे। तो ये अब नई चीजें बनने लगी जिसका नाम हो गया बिजनेस इंटेलिजेंस, जो एक रोल है अपने आप में। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हुआ कि भाई डेटा में एक्सप्लोर कर लिया कि क्यों सेल्स गिर रही है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन से कस्टमर्स थे जो चले गए, कौन से कस्टमर्स थे जो नए आए तो वो कम दे रहे हैं क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे हैं क्या, प्राइस ऑफ वन ऑर्डर कम हो रहा है क्या, लोकेशन वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम देख सकते हैं। और उसको विजुअलाइज करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो अपने आप में एक नया रोल है। डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जिसमें अपने आप में आप अलग अलग टूल्स यूज करोगे, पावर बीआई, टैब्लू के जैसे। तो ये हो गया, डेटा आ गया, पाइपलाइन बिछाई, डेटा आ गया, डेटा को क्लीन कर लिया, डेटा को क्लीन करके एक्सप्लोर कर लिया, एक्सप्लोर करने के बाद विजुअलाइज कर दिया ग्राफ्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वही अच्छा लगेगा ना सीईओ को। सीईओ के पास टाइम नहीं उतना, सीईओ को बोल रहे, सीईओ बोल रहे भाई दिखा दो क्या है, फटाफट दिखा दो, तो जल्दी जल्दी दिखाओ ना, टाइम नहीं है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, अंडरस्टैंड। फिर प्रेडिक्ट कर, अब क्या कर, प्रेडिक्ट कर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये रेवेन्यू गिरता ही रहेगा या वापस आएगा, क्या ये वन टाइम गिरावट थी या ये गिरावट आगे भी दिखने वाली है, क्या कंपटीशन अंदर आ गया है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कि ये फ्यूचर का रेवेन्यू क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है, कौन से सेगमेंट में क्या होने वाला है, इसको बता। कैसे बताएगा, मॉडल बना, कैसे बनाएगा मॉडल, मशीन को बोल कि तू खुद सीख, मशीन को बोल तू सीख, मशीन को सिखा, मशीन लर्निंग, मशीन को बोल तू सीख और तू बता आगे क्या होगा। तो मशीन सीखेगी, कैसे सीखेगी, पूरा जो डेटा है उसी से एक ट्रेंड बनाएगी, उसी से कुछ अंदर एल्गोरिथम्स बनाएगी, वो सब आपको मशीन लर्निंग में सीखना होगा। बट आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग मत सीखो, ऑब्वियसली ना यार, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। तो आप पहले ईडीए सीख लो, या पहले आप विजुअलाइजेशन सीख लो, आप टैब्लू पावर बीआई सीख लो, धीरे धीरे करके मशीन लर्निंग की तरफ अप्रोच करो। आप बोल रहे हो मेरे को ये आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, पाइथन समझ में आ रहा है, अब आप जाओ मशीन लर्निंग की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आ रहा है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। सबका सेंटर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम किसकी है, क्लाइंट की, क्यों सॉल्व करनी है, क्योंकि भाई उसकी प्रॉब्लम है, उसको वो पैसा देगा मुझे, मैं कौन हूँ, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ या डेटा एनालिस्ट हूँ, मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास बड़ा सारा डेटा है, उसको एनालाइज नहीं करना आता है, वो मेरे पास आ रहा है, वो बड़ा सारा डेटा मुझे देगा, मैं एनालाइज करूंगा और मैं उसको बताऊंगा। अब ये क्लाइंट किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है गाइस, तो आप किसी भी डोमेन से डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आप ये सारी चीजें सीख लो कि भाई डेटा एनालिसिस करना कैसे, रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लॉजिकली सॉल्व करनी है, उसके लिए टूल्स है बहुत सारे। अब एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, वो भी बोलता है मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे लिए मेरे पास बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन सा टूल कब यूज करना है। एक बार मुझे टूल यूज करना आ गया, मुझे ये समझ में आता है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद टूल यूज करना इज नॉट अ बिग डील, एक बार सीख गया सीख गया। बट प्रॉब्लम्स अलग अलग आएंगी, हर बार अलग अलग प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंज वही होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेजर फोकस होना चाहिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो डेटा साइंस इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट बिकॉज डेटा इज ह्यूज, कंप्यूटेशनल पावर इज ह्यूज, दैट इज द रीजन इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेट। पहले डेटा कम था, कंप्यूटेशनल पावर कम थी, तो एक्सेल पे चिट टाइप या दिमाग में ही हो जाता था, बट अभी ना हो पाएगा। क्यों, बहुत ज्यादा डेटा है, दिमाग की कैपेसिटी नहीं है, मशीन की कैपेसिटी है, मशीन का कंप्यूटेशनल पावर है। तो मशीन को बोल भाई तू सीख, तू बता, मॉडल बना, बता मुझे क्या करूं फ्यूचर में कि मेरा बिजनेस बढ़े, है ना दमदार। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, क्लिक जरूर करिए लिंक पे, डेमोस्ट्रेशन जरूर बुक करिए, और इसके बारे में मैं आगे आपको और बताऊंगा।
ये तो एक वीडियो था जिसमें डेटा साइंस होता क्या है क्या नहीं होता है ऊपर ऊपर से बताया। इसके अंदर जाएंगे आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, और करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, और ये सब लोग करते क्या एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा आपको बताया मैंने। आई होप ये वीडियो पसंद आई आपको। लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने डेमो सेशन जरूर बुक करिए। थैंक यू सो मच।